जादुई बांसुरी। किसी जंगल में एक चोर रहता था, उसका नाम चनाराम था। वो बहुत ही शातिर चोर था, सारे राज्य में उसकी दहशत थी। वह हर रोज किसी के घर पर जाता और चोरी करता और वहां से भाग जाता। अब चनाराम के पास बहुत ज्यादा धन जमा हो चुका था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, उसे और धन चाहिए था। इसलिए चनाराम किसी बड़े आदमी की तलाश में निकल पड़ा। इसलिए वह अपने बगल के राज्य में आया। चनाराम एक गांव में पहुंचा, जहां पर बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे। वहीं पर एक दिनेश नाम का नौजवान रहता था। वह बहुत ही अच्छा और स्वाभिमानी था। दिनेश को बांसुरी से बहुत ही लगाव था। वह जब बांसुरी बजाता तब उस बांसुरी की मधुर आवाज़ से लोग सो जाते, कहीं तो बेहोश हो जाते। कई लोगों का मानना था कि वह बांसुरी एक जादू की है। अरे वाह, क्या सुंदर बांसुरी बजाता रहे अपना दिनेश, मजा आ गया सुन के। बजाता तो है, लेकिन उसमें उसका कोई कमाल नहीं। कमाल तो उस बांसुरी में है, जिससे वह किसी को भी किसी भी वक्त सुला भी सकता है और बेहोश भी कर सकता है। ओह, क्या बात कर रहा है। मेरे को खुद दिनेश ने बताया कि उसके पास जादुई बांसुरी है। तू बोलता है तो सच रहेगा, वैसे भी अपने को क्या करना है, चलो चलते हैं। यह सब बातें बगल में खड़ा हुआ चनाराम सुन रहा था। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बांसुरी को चुरा के सारे गांव को बेहोश करके एक ही रात में सारा धन एक साथ चुराऊं, तभी मैं तो एक ही रात में अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर चनाराम ने बांसुरी चुराने का फैसला किया और उसके तुरंत बाद चनाराम दिनेश के घर पहुंचा और उसने वह बांसुरी चुरा ली। अगले ही दिन चनाराम चोरी की तैयारी करने लगा। जैसे ही रात हुई, चनाराम चोरी करने के इरादे से बाहर निकला। वह चोर की लिबास में एक घर में घुस गया, वहां से चोरी करके किसी दूसरे घर में घुस गया। इसी तरह उसने पहली ही रात में ऐसे 10 घरों में चोरी की। दूसरे दिन गांव में चोरी की बात फैल गई, लोग बहुत ही चौकन्ने हो गए। अरे क्रांति सेठ, सुनते हो, अपने शर्मा जी के यहाँ चोरी हो गई। चोरी सुना मैंने, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। मेरे पास भी घर में बहुत सारा धन है, क्या पता चोर का अगला निशाना कौन है। गांव के सभी लोग डरे हुए थे। यह सब देखकर चनाराम बहुत खुश हुआ। उसी रात चनाराम बांसुरी लेकर चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वह एक बड़े से घर में घुसा, तभी उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी कीमती चीजें रखी गई है। चनाराम सारी चीजों को उठाने लगा, तभी उसके हाथ से एक बर्तन छूट कर गिर गया और उस बर्तन की जोर से आवाज आई। बर्तन की आवाज से उस घर के लोग उठ गए, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त उसने अपने जेब में हाथ डाला और वह बांसुरी निकाली। उसने बांसुरी बजाने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस, वह बांसुरी एक सामान्य बांसुरी थी, जिसे चनाराम जादुई मानने की भूल कर बैठा और उस बांसुरी की मधुर आवाज से कोई भी बेहोश नहीं हुआ। तभी लोगों ने चनाराम को पकड़ा और उसे बहुत मारा और चनाराम से सारा धन लेकर गांव में बांट दिया और चनाराम को उस गांव से निकाल दिया। उसके बाद चनाराम बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, और वह किसी और गांव में जाकर बस गया और ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।